सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जिस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूं है होंडा CB150F जो कि 2021 मॉडल है। यहां पर सबसे ऊपर आपको DRL लाइट की ऑप्शन मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको नीचे इसकी हेडलाइट की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो हैलोजिन बल्ब मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर हमें अगर नया कुछ दे रहे थे या 2021 मॉडल दे रहे थे तो यहाँ पर यार कम से कम एक अच्छा प्रोजेक्शन हेडलैम्प लगा देते या फिर एक अच्छी LED लाइट लगा कर ही भेज देते, लेकिन नहीं, हमने तो खर्चा नहीं करना, हमने क्वालिटी दिन ब दिन कम करनी और प्राइस जितनी हमसे बढ़ सकती है बढ़ा सकते हैं हम। इसमें एक बाइक में बहुत बड़ा बिग चेंज है जिसका मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फ्रंट मड गार्ड की अगर बात करिए तो हार्ड प्लास्टिक का ब्लैक शाइनी मड गार्ड आपको मिल जाता है। इसके जो ग्राफिक्स तो नहीं है, खैर स्टिकर लगे हुए हैं, ग्राफिक्स वो होते हैं जो पक्के पेंट ऊपर किए हों, लेकिन ये पेंट नहीं, स्टिकर लगाए गए हैं। इसके अलावा आप इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। फ्रंट टायर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाता है वो है 80x100 का, आपको अगर इसका फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके अलावा 18 inches के यहाँ पर आपको इसके अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की सिंगल डिस्क ब्रेक आपको यहां पर मिलती है, जो कि हमें पहले से यही चीज़ मिलती आ रही है। हम ये सोच रहे थे कि क्या पता अभी इस पर नए मॉडल में हमें रेयर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिले, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ इसमें जो है वो चेंज इतना खास तो लाया नहीं गया। कॉर्डियल के टायर आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने चाइनीज़ रेप्लिका के जब मैं रिव्यू करता हूँ तो वहाँ पर भी आपको कॉर्डियल के टायर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाइक सारा का सारा मैन्युफैक्चर होता है चाइना में और बाद में इसके ऊपर होंडा का लेबल लगाकर यहाँ पाकिस्तान में इसको भेजा जाता है। वैसे तो ये होंडा के ही मॉडल है, चाइना मतलब अगर चाइना में बनता है तो दूसरी कंपनी वाले या चाइनीज़ इसको अपने तौर पर नहीं भेज सकते, होंडा के साथ इनका कोई एग्रीमेंट होता है, इस वजह से सिर्फ होंडा वाले सेल कर सकते हैं। रेयर टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 90x90 रेयर टायर मिलता है 18 inches के भी, यहां पर आपको जो कि अलॉय रिम्स मिल रहे थे। उसके अलावा इसके मीटर की बात कर लीजिए तो इसका मीटर जो टॉप स्पीड शो करता है वो 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड शो करता है, जो कि आज तक किसी का भी होंडा CB150F इतनी टॉप स्पीड पर नहीं गया। अगर आपका गया तो नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वैसे इस बाइक की अगर टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो ये बाइक 110 to 120 किलोमीटर बड़ी मुश्किलों से जाता है 120 तक, लेकिन 110 इसकी नॉर्मल स्पीड है। लॉक की बात कर ली जाए तो आपने इसका लॉक मुलाजा फरमाया जो कि एक मतलब सिक्योर लॉक है, लेकिन इतना भी सिक्योर नहीं है, फिर भी इस बाइक का आपने ख्याल रखना है। बाइक अगर गली में कहीं भी खड़ा करते हैं तो इसको ड्यूल लॉक्स का ऑप्शन ऑन रखें इसका तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि वायर लॉक, ये वो चीज़ें। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इस बाइक में आपको फ्यूल गेज जैसी ऑप्शन मिली, गियर इंडिकेशंस जैसी ऑप्शन मिली, टैकोमीटर मिला, यानी कि मीटर में इसके आपके हर ऑप्शन आपको मिलती है। बटन्स को लेकर एक अलहदा से इसका वो जिस तरह के होंडा CG15 स्पेशल एडिशन में साथ एक छोटा सा बटन लगा दिया था, वो मतलब वो बिल्कुल ही चाइनीज़ लुक लगती है, उस तरह से नहीं, एक अच्छी ग्रिप्स इस बाइक में यूज़ की गई है, क्योंकि एक अच्छी प्राइस भी आपको लास्ट में इसकी पता लगने वाली है, इसकी नई प्राइस आ चुकी है। टैंक देख लीजिए, टैंक बड़ा ही प्यारा स्टाइलिश कलर में है और शाइन जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। टैंक में अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये आपका 13 लीटर तक इस बाइक में आपका पेट्रोल आ सकता है इस टैंक में। उसके अलावा 1.4 लीटर जब आपका पेट्रोल रह जाएगा तो आपको रिजर्व पर ये बाइक चलाना पड़ेगा। और साथ साथ इसकी सीट की जो पोजीशन है एक स्पोर्ट्स लुक में आपको सीट मिल जाती है। अगर इसके साइड कवर्स की बात कर जाए तो CB150F यहाँ पर लिखा गया, ये F मॉडल जो है पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया गया है। अदर अगर कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर R मॉडल चल रहा है, और क्या ही बात है यार, EFI है उसमें, फ्रंट एंड बैक पर डिस्क ब्रेक है, ABS सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर हमें ABS तो दूर की बात, रेयर पर ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, रेयर टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो 4-stroke SOHC की टेक्नोलॉजी, इनके सिंगल वर्ट कैमशाफ्ट यहाँ पर हमें इसका इंजन मिल जाता है, जो कि एयर कूल्ड है। 150cc इस बाइक की कैटेगरी है। इसके अलावा इंजन के साथ आपको बैलेंसर शाफ्ट मिलता है। इसका शॉर्ट एंड लॉन्ग की अगर बात करें तो 40 to 45 किलोमीटर आपको ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अगर इसके बोर की बात कर लीजिए तो 57.3 mm का आपको बोर मिलता है। स्ट्रोक की बात कर लें तो 57.8 mm का यहां पर आपको स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात कर लें इस इंजन की तो 9.1:1 का आपको इसका कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। उसके साथ साथ इसके गियर्स के बारे में आपको बताता चलूं, 5 गियर्स आपको यहां पर इसके मिलते हैं, यानी कि रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन है, पहला गियर आगे लगता है, बाकी के 4 गियर बैक साइड पर लगते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, रोलर चेन ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाती है, जो कि हर बाइक में यही वाली आती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी में नहीं देगी। यहां पर रोक कर आप इसके कुछ मालूमात ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसकी चेन का जो कवर है इसको
आपको मतलब किस तरह से क्या चीज़ मतलब केयर आपने किस तरह करनी है। एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको जो चेन कवर है वो मेटल का मिलता है, प्लास्टिक नहीं दिया गया यहाँ पर, जैसा कि यामाहा वाले यहाँ पर आपको प्लास्टिक का चेन कवर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेटल का चेन कवर मिलता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात कर लें इसकी हॉर्स पावर टॉर्क के बारे में, टॉप स्पीड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी लोगों का टॉप स्पीड को लेकर काफ़ी इसमें कंप्लेन थी। लोग कहते थे कि यार ये 100 से ऊपर नहीं जाता, 110 से ऊपर नहीं जाता, ये बहुत मुश्किलों से 120 तक जाता है हॉर्स पावर की वजह से, क्योंकि इसकी जो हॉर्स पावर है वो 10.67 इसकी हॉर्स पावर है और ये 8500 आरपीएम पर मिलती है। इसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात करें तो 11.5 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलती है, जो कि 6500 आरपीएम पर मिलती है। बाइक का आपको क्लोज से इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि इसकी जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है, वो बाकी बाइक से बेहतर है, क्योंकि ये यूनिट पूरा का पूरा बाहर से इसी तरह आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको असेंबल्ड किया जाता है, असेंबल्ड करने के बाद कंपनी इनको डीलर्स को दे देती है और डीलर्स फिर आगे इसको सेल करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्राइस के बारे में। प्राइस के ऊपर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये बाइक जब पाकिस्तान में नया नया आया था, लॉन्च हुआ था, इसकी प्राइस थी 1,62,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 रुपये इसकी प्राइस थी, यानी कि 1,62,000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। लेकिन अगर मैं आज की आपको इसकी प्राइस बताऊं तो आप लोग हैरान परेशान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि यार क्या ये बाइक परचेज हम पहले, मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ये बाइक पहले परचेज करना चाहिए था, ना कि अभी की जो इसकी प्राइस आ रही है। फ्रेंड्स, वो मैं आपको आगे जाकर क्लियर करूंगा, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। होंडा ने भी अपनी प्राइस लिस्ट चेंज कर दी है, नई प्राइस लिस्ट आ गई है, उसके साथ साथ यामाहा वालों ने भी अपनी, यानी कि आज 7 तारीख है, 7 तारीख को ये मैं वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो यामाहा वालों ने भी आज से अपनी प्राइजेस को अपडेट कर दिया। यामाहा वाले कहते हैं भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपने बाइक महंगे बेचेंगे, धड़ल करके बेचेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर बाइक कोई चीज़ महंगी होती है तो वो शॉर्ट कर दी जाती है। आपने शोरूम्स वगैरह में देखा होगा, आपको बाइक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, ना कि होंडा के शोरूम में, ना ही यामाहा के शोरूम में। तो ये आपके सामने भी आ चुकी है लिस्ट। सबसे बड़ी वजह यह है कि बाइक शॉर्ट इसलिए की जाते हैं कि आप लोगों को लगे कि पता नहीं वाकई यार अब आगे पता नहीं बाइक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे कितना महंगा हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, तो जल्दी जल्दी से इस बाइक को परचेज़ कर लो। तो यहाँ पर हम गलती करते हैं, जल्दी से उस बाइक को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, बुकिंग कराना शुरू कर देते हैं। CD70 की जो नई प्राइस आ चुकी है 79,500, CD Dream 70 की जो नई प्राइस आ चुकी है वो है 85,500 रुपये, यानी कि 85,500। प्राइडर 100 की बात करें, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि नया मॉडल कब आएगा, जैसे ही नया मॉडल आएगा पीके बाइक्स पर आपको अपडेट मिल जाएगी। प्राइडर 100 की जो नई प्राइस है वो है 1,10,500 रुपये, यानी कि 1,10,500 की नई प्राइस आ चुकी है। होंडा CG125 जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, और किसी मॉडल की प्राइस चेंज करें ना करें, लेकिन होंडा CG125 की प्राइस लाजमी चेंज होती है, इसकी जो प्राइस है 1,31,900, यानी कि 1,31,900 रुपये। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की होगी कि इन्होंने अपने स्पेशल एडिशन मॉडल रखे हैं, जो सिंपल मॉडल थे स्पेशल एडिशन के साथ वाले मॉडल आते थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि होंडा खुद ही इतना कंफ्यूज हो चुका था, कस्टमर भी इतने कंफ्यूज हो रहे थे कि यार स्पेशल एडिशन लूँ 4,000 बचाऊँ या क्या करूँ, स्पेशल एडिशन लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पेशल एडिशन ही लेते थे, दोनों में फ़र्क सिर्फ 4,000 रुपये का था। उसी के साथ साथ इन्होंने अपने सिंपल मॉडल जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, सारे के सारे स्पेशल एडिशन मार्केट में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन की, तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस है 1,59,500 की नई प्राइस आ चुकी है। उसके साथ साथ तो होंडा CB125F मॉडल जो कि स्पेशल एडिशन है सिंपल वाला, इसमें ख़त्म कर दिया गया, इसकी जो प्राइस है 1,92,500, यानी कि 1,92,500 रुपये इसकी प्राइस आ चुकी है। अभी आप अपने दिलों को थाम लीजिए, हम जिस बाइक का रिव्यू कर रहे थे उसकी प्राइस आपके सामने आ चुकी है, उसकी जो नई प्राइस है 2,47,500 रुपये, यानी कि 2,47,500 होंडा CB150F स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन इसमें कौन सा स्पेशल एडिशन, उन्होंने गलती से ऐसी इसमें भी डाल दिया है। खैर, यामाहा की प्राइस लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। यामाहा की अगर YB125Z की बात कर लीजिए, जो कि सिंपल मॉडल है, स्पोक सिम्स के साथ है, उसकी जो नई प्राइस आ चुकी है वो है 1,63,000 रुपये इसकी नई प्राइस आ चुकी है। यामाहा YB125ZDX मॉडल की अगर बात कर लीजिए, जिसमें आपको ऑलॉय डिस्क ब्रेक मिलती है, उसकी जो नई प्राइस आ चुकी है 1,75,500 रुपये। उसके साथ साथ अगर यामाहा YBR125 की बात कर लीजिए, तो जो कि स्पोर्ट्स लुक में आता है,
उसकी जो नई प्राइस आई है वो है 1,81,000 रुपीज़। अब इन्होंने एक ही बाइक में सिर्फ 500 वाला सिस्टम डाला, बाकी सब की सब प्राइस राउंड कर दी है, और सिर्फ DX में आपको 500 ऊपर देखने की मिलता है, नहीं तो उसकी भी प्राइस 1,75,000 रुपये होनी थी। उसके साथ साथ यामाहा YBR 125G की बात कर ली जाए तो उसमें जो आपको प्राइस मिलती है 1,90,000 रुपये इसमें आपको प्राइस मिलती है। ये है आज की नई लिस्ट, जो आज की मैं आपको डेट बता देता हूँ, आज 7 तारीख है, जनवरी है 2021 है। अब देखो कि यार आगे किस तरह से प्राइजेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अब हम लोग यही सोचते हैं कि यार आगे से आगे पता नहीं क्या बनेगा, जल्दी से बाइक परचेज कर लो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार हम अगर महंगा बाइक कोई बंदा परचेज करने की साख्त रखता है तो क्या कोई गरीब बंदा भी ले सकेगा या नहीं। तो ऐसा ही होता है, गरीब बेचारा यही सोचता रहता है कि यार जब 1,62,000 का था काश मैं तभी ले लेता, क्योंकि मैं खुद यही सोच रहा हूँ अभी। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आपका होस्ट अस्लान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ के, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।